ऐसे लक्षण जो पता भी नहीं चलते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो, लेकिन आप प्रेग्नेंट रहते हो। नॉर्मल लाइफ से मिलते जुलते ये लक्षण होते हैं जो कि एक गर्भवती महिला के शरीर में दिखते हैं। वो लक्षण क्या होते हैं? अक्सर महिलाओं को तो सिर दर्द रहता ही है। अगर वो ज़्यादा सोचती हैं या नींद की कमी रहती है तो उनको ये सिर दर्द सताती है, लेकिन प्रेगनेंसी में भी सिर दर्द होती है। अब वो कैसे होता है? अक्सर महिलाओं को हल्का हल्का सिर दर्द तब रहेगा, शाम के समय ज़्यादा रहेगा। ये शाम के समय इसलिए भी ज़्यादा होता है क्योंकि सुबह का दिन भर का जो काम किया हुआ थका हुआ शरीर होता है, तो जब वो रिलीफ करने के लिए कहीं भी लेटती हैं तो उनके सिर में दर्द हो जाता है, या फिर वो ज़्यादा थक जाती हैं तो प्रेग्नेंट महिला के सिर में दर्द शुरू हो जाता है। स्ट्रेस ज़्यादा लेने के कारण और डाइट के कारण और हार्मोनल चेंजेस के कारण भी गर्भवती महिला को सिर में दर्द रहेगा। सेकेंड है गैस का बनना। नॉर्मली आपके गैस तो वैसे बन ही रहते हैं, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट रहते हो तब भी गैस बहुत ज़्यादा बनता है। मतलब कि हो सकता है कि पहले कम बनता था लेकिन अब दुगने रफ्तार में बनता है, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी गैस बन जाता है। तो गैस बनना तो नॉर्मल लाइफ में होता ही है, इसलिए इस लक्षण को महिलाएं पहचान नहीं पाती हैं। गैस ज़्यादा बनना, कॉन्स्टिपेशन होना, एसिडिटी होना, लेकिन एक चीज़ है जो कि प्रेग्नेंट महिला को बार बार होती है, वो है सीने में जलन होना। सीने में जलन हो रहा है, डाइट आपके जो है वो काफ़ी ख़राब है, यानी जंक फूड आप ज़्यादा लेते हो, इस वजह से सीने में जलन होती है। तो ये गर्भवती महिला में बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि कुछ भी अगर वो ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ खा लेती हैं तो उनके सीने में जलन की प्रॉब्लम हो जाती है। नॉर्मल लाइफ में भी ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्रेगनेंसी में ज़्यादा होती है। अब कमर में दर्द रहना। कमर में दर्द तो वैसे भी आपके पीरियड्स के क्रैम्पिंग के पहले, मतलब पीरियड्स आने से पहले क्रैम्पिंग होती है और पीरियड्स के दौरान भी क्रैम्पिंग होता है, लेकिन गर्भवती महिला को भी क्रैम्पिंग होती है कमर में। वो इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी में कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है और गर्भाशय के भी बढ़ने के कारण कमर में आपके दर्द अक्सर बना रहेगा। जब आप ज़्यादा देर तक बैठे रहोगे, खड़े रहोगे या चलोगे, या फिर किसी भी पोजीशन में सोने के कारण भी आपको ये कमर में दर्द सता सकती है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि एड़ियों में दर्द होना या फीट में दर्द होना। वैसे तो कई बार बहुत ज़्यादा चल लेती होंगी या ज़्यादा देर तक खड़ी रहती होंगी तो कभी कभी आपके फीट्स में दर्द होता है, लेकिन गर्भवती महिला को भी सेम चीज़ में अगर वो काम करती है तो ये पेन उनको होना ही होना है। खासकर कई महिलाओं को ये फीट पेन कहे तो पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा सताती है, इस वजह से वो पहचान नहीं पाती है कि ये प्रेगनेंसी के कारण हो रहा है या ज़्यादा चलने या खड़ा होने के कारण हो रहा है। ये सब जो सिम्टम्स होते हैं ये नॉर्मल लाइफ में तो आते ही आते हैं, प्रेगनेंसी में ज़रूर दिखेंगे और कई बार आप कन्फ्यूज भी हो जाओगे। जाते जाते इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना कि आपको ये लक्षण दिखते हैं या नहीं। धन्यवाद।